हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको बता दें, कल ही हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, थोड़ी देर में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में सोरेन की याचिका, मुझे चिंता नहीं है, मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं मिला है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई, गरीबों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार करने वालों के खिलाफ नई लड़ाई लड़नी होगी। अगर अब हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल तो लाजमी है। अत्याचार करने वालों के खिलाफ नई लड़ाई लड़नी होगी, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हेमंत सोरेन? अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था, आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब निरीह आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे।